27 कंपनी ने घोषणा कर दिया डिविडेंड, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, सारा कुछ जानकारी दूंगा, किंतु छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। पहली कंपनी का नाम है KPI ग्रीन एनर्जी। आज कंपनी ने 1:2 बोनस की घोषणा किया है। 2 शेयर पर 1 मुफ्त शेयर मिलेगा। करंट मार्केट प्राइस है 1466 रुपया। शुक्रवार को 10% का अपर सर्किट भी लगा था। एक्सटेट अपकमिंग। अगली कंपनी का नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज। करंट मार्केट प्राइस है 1911 रुपया। स्टॉक स्प्लिट की मीटिंग है 15 जनवरी को। अगली कंपनी का नाम है श्री सीमेंट। करंट मार्केट प्राइस है 28555 रुपया। इंटरिम डिविडेंड प्लस Q3 जेल की मीटिंग है 31 जनवरी को, और जो डिविडेंड आएगा उसका रिकॉर्ड डेट रहेगा 8 फरवरी। अगली कंपनी का नाम है फोसेको इंडिया। करंट मार्केट प्राइस है 3811 रुपया। फाइनल डिविडेंड प्लस Q3 रिजल्ट की मीटिंग है 23 फरवरी को। डिविडेंड जो आएगा उसका रिकॉर्डेड अपकमिंग है। फाइनल डिविडेंड में एक्सटेंड लेट आता है। इंटेलीवेट कैपिटल बोनस देगा 2:1। 1 शेयर पे 2 मुफ्त शेयर मिलेगा। एक्स डेट अपकमिंग, इसमें भी सोमवार को तेजी हो सकती है। नेक्स्ट कंपनी TCS। थर इंटरिम डिविडेंड प्लस Q3 रिजल्ट की मीटिंग है 11 जनवरी को, और डिविडेंड जो आएगा उसका रिकॉर्डेड रहेगा 19 जनवरी। करंट मार्केट प्राइस है 3793 रुपया। अगली कंपनी का नाम है गेल इंडिया। करंट मार्केट प्राइस है 162 रुपया। टारगेट दिया 195 रुपया मोतीलाल ओसवाल ने। नेक्स्ट कंपनी का नाम है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज। करंट मार्केट प्राइस है 44 रुपया। स्प्लिट करेगा 1:10, 1 शेयर 10 शेयर में कन्वर्ट होगा। एक्स डेट 11 जनवरी है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है IFL इंटरप्राइजेज। करंट मार्केट प्राइस है 1.88 रुपया। राइट इशू करेगा 198:100। एक्स डेट अपकमिंग। नेक्स्ट कंपनी का नाम है ऑयल इंडिया। करंट मार्केट प्राइस है 380 रुपया। टारगेट दिया है 445 रुपया MK ग्लोबल ने। नेक्स्ट कंपनी का नाम है ONGC। करंट मार्केट प्राइस है 208 रुपया। टारगेट दिया है 250 रुपया MK ग्लोबल ने। नेक्स्ट कंपनी का नाम है कोल इंडिया। करंट मार्केट प्राइस है 377 रुपया। टारगेट दिया है 430 रुपया प्रति शेयर, और टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने दिया है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है लाटिम मेटल इंडस्ट्रीज। करंट मार्केट प्राइस है 17.40 रुपया। राइट इशू करेगा 1:2। राइट इशू प्राइस रहेगा 8.50 रुपया। एक्स डेट 2 जनवरी है। अगली कंपनी का नाम है M लाखामसी इंडस्ट्रीज। करंट मार्केट प्राइस है 1.13 रुपया। बोनस देगा 1:50। एक्स डेट 6 जनवरी। नेक्स्ट कंपनी का नाम है NPST। करंट मार्केट प्राइस है 2311 रुपया। बोनस देगा 2:1। एक्स डेट अपकमिंग। नेक्स्ट कंपनी एलिजेंट मार्बल। करंट मार्केट प्राइस है 349 रुपया। बायबैक करेगा 385 रुपया। एक्स डेट 5 जनवरी। नेक्स्ट कंपनी का नाम है विप्रो। करंट मार्केट प्राइस है 462 रुपया। डिविडेंड प्लस Q3 रिजल्ट की मीटिंग है 12 जनवरी को। नेक्स्ट कंपनी डालमिया भारत सीमेंट। टारगेट दिया 2700 रुपया ICICI डायरेक्ट ने। होडको निवेशकों को शानदार मुनाफा, एक झटके में 20% तक चढ़ा शेयर, एक साल में नए हाई पर। होडको स्टॉक प्राइस। होडको शेयर का अपर प्राइस बैंड BSE पर 136.89 रुपये और NSE पर 136.80 रुपये है, जिस तक पहुंचने में कुछ ही फासला बाकी है। कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ 14,500 करोड़ रुपये तक का निवेश को लेकर एक समझौता किया है। साथ ही कंपनी का डायरेक्टर कॉरपोरेट प्लानिंग के कार्यालय को भी बढ़ाया गया है। 28 दिसंबर को दिन होडको निवेशकों के लिए बेहद शानदार साबित हुआ। कारण, शेयर में शुरुआती कारोबार में करीब 19% तक की बढ़त देखने को मिली और 52 सप्ताह का नया हाई क्रिएट हुआ। दरअसल कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत राज्य में आवासीय और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए होडको की और उसे 14,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी का डायरेक्टर कॉरपोरेट प्लानिंग के कार्यालय को भी बढ़ाया गया है। इन दो डेवलपमेंट की वजह से शेयर में जमकर खरीदारी हो रही है। सुबह होडको का शेयर बढ़त के साथ BSE सेंसेक्स पर 116 रुपये पर खुला। दिन के शेयर दौरान करीब 20% तक बढ़त के साथ 52 सप्ताह का नया हाई 136.7 रुपये क्रिएट किया। NSE निफ्टी पर शेयर 114 रुपये खुलकर 136.80 रुपये का हाई तक पहुँच गया, जो 52 का नया हाई है। हालांकि शेयर अपर प्राइस बैंड टच नहीं कर सका। होडको शेयर का अपर प्राइस बैंड BSE पर 136.89 रुपये और NSE पर 136.80 रुपये है। कारोबारी बंद होने पर शेयर 12% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ 128 रुपये पर सेटल हुआ।
होडको का शेयर इस साल अब तक 144% चढ़ा। सितंबर 2023 के आखिर तक कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 81.8%, FIIS की 0.65% और DIIS की 7.16% थी। बाकी 10% हिस्सेदारी पब्लिक के पास थी। होडको ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी के डायरेक्टर कॉरपोरेट प्लानिंग एम नागराज के कार्यालय को बढ़ाने के लिए अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नागराज का एक्सटेंडेड कार्यालय 1 फरवरी 2024 से प्रभावी होकर उनके रिटायरमेंट की तारीख 31 जुलाई 2027 तक या अगले आदेश तक रहेगा। मल्टी वेगर स्टॉक पंप बनाने वाली इस कंपनी को हरियाणा सरकार से मिला ऑर्डर। 2023 में 155% रिटर्न दिया। कंपनी को हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट से कुसुम 3 के तहत 6608 पंपों का दूसरा वर्क ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर की कुल वैल्यू लगभग 258 करोड़ रुपये का है। कंपनी का नाम है शक्ति पंप। स्टॉक प्राइस कंप्रेसर्स पंप और डीजल इंजन बनाने वाली शक्ति पंप लिमिटेड को हरियाणा सरकार से बड़ा ऑर्डर मिला है। शक्ति पंप ने शुक्रवार 29 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसे हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट से 258 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर मिला है। शक्ति पंप का स्टॉक साल 2023 में निवेशकों के लिए मल्टी बेगर रिटर्न दिया। इस साल शेयर ने 155% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। साल 2023 के अंतिम कारोबारी दिन 29 दिसंबर को शेयर 3.10% बढ़कर 1034 रुपये के भाव पर बंद हुआ। शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसे हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट से कुसुम 3 के तहत 6608 पंपों का दूसरा वर्क ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर की कुल वैल्यू लगभग 258 करोड़ रुपया है। शक्ति पंप के शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया। यह स्टॉक 2023 में पैसा 2.5 गुना कर चुका है। 5 दिनों में शेयर 4% से ज़्यादा का बढ़त, 1 महीने में 3% तथा 6 महीने में शेयर 74% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बनाकर दिया, जबकि 1 वर्ष में 153% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बनाकर दिया। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है गेल इंडिया। ₹200 से सस्ता महारत्न PSU स्टॉक बना। 2024 के लिए टॉप पिक मोतीलाल ओसवाल ने 39% बढ़ाया टारगेट। महारत्न PSU स्टॉक 2024 का टॉप पिक। महारत्न कंपनी गेल इंडिया के शेयर को ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने 2024 के लिए टॉप पिक बनाया है। गैस कीमतों में बढ़ोतरी, पेटकेम में सुधार और PSU कंपनी के नए प्रोजेक्ट को देखते हुए ब्रोकरेज ने स्टॉक को री रेटिंग की है। साथ ही टारगेट प्राइस में 39% का इजाफा किया है। शुक्रवार 29 दिसंबर 2023 के कारोबार में गेल इंडिया का शेयर 3% से ज़्यादा तेजी के साथ बंद हुआ। साल 2023 में इस PSU स्टॉक ने करीब 68% का रिटर्न निवेशकों को डिलीवरी किया। गेल 195 का भाव छुएगा। मोतीलाल ओसवाल ने गेल इंडिया पर खरीदारी की सलाह बनाए रखी है। साथ ही प्रति शेयर टारगेट 140 से बढ़ाकर 195 रुपये की आय। ब्रोकरेज ने स्टॉक का टारगेट करीब 39% बढ़ाया। 2023 में इस सरकारी शेयर ने निवेशकों को 68% का रिटर्न दिया, जबकि बीते 6 महीने में शेयर 55% उछल चुका है। गैस मार्केटिंग एंड ट्रांसमिशन के क्षेत्र में काम करने वाली इस सरकारी कंपनी का मार्केट कैप 1.06 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा है। गेल, क्या है ब्रोकरेज की राय? ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि अच्छे ट्रांसमिशन वॉल्यूम और पेट्रोकेमिकल कारोबार में बदलाव से फाइनेंशियल ईयर 26 कंपनी के ROE रिटर्न ऑन इक्विटी में सुधार होगा। फाइनेंशियल ईयर 23 के 9.5% के निचले स्तर से फाइनेंशियल ईयर 26 तक ROE में 15% का सुधार हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 23-26 में ट्रांसमिशन वॉल्यूम CAGR 9% है। बढ़ते घरेलू गैस आउटपुट से वॉल्यूम में बढ़त की उम्मीद है। बढ़ते LNG रिगैसिफिकेशन से गैस कंजप्शन में बढ़त संभव है। गैस प्राइस में बढ़त, पेटकेम में सुधार और नई प्रोजेक्ट से री रेटिंग किया। फाइनेंशियल ईयर 24-26 में कैपेक्स 64% बढ़ने के बावजूद फाइनेंशियल ईयर 26 में अनुमानित 4560 करोड़ रुपया। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कोर कारोबार के वैल्यू 12 गुना दिसंबर 25 ई और 13.7 का एडजस्टेड EPS है। फाइनेंशियल ईयर 26 ई के करंट ट्रेडिंग PE 1.3 गुना को बढ़ाकर 1.6 गुना का वैल्यू किया है। फाइनेंशियल ईयर 23-26 ई पर 32% का EBITDA CAGR रह सकता है। टारगेट लक्ष्य 140 दिया था, वो हिट हुआ। उसके बाद फिर नया टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने 195 कर दिया। अगली कंपनी का नाम है सलसाल टेक्नो इंजीनियरिंग। बोनस देगा 4:1। संदूर मैगनीज बोनस देगा